ये स्लैब का रेनफोर्समेंट हो रहा है इधर। इसमें मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार लग रही है, ये देखिए आप। प्रीवियस वीडियोस आ चुकी हैं, आप देखना है स्टार्टिंग से और अभी तक जो वर्क हुआ है। इसमें जो कॉलम टू कॉलम अटैच है वो तो प्राइमरी बीम है, और जो कॉलम टू बीम अटैच है या बीम टू बीम अटैच है वो अपनी सेकेंडरी बीम है। स्लैब रेनफोर्समेंट डलना ज़रूरी है, उसके बाद स्लैब कास्टिंग होती है। ये देखिए बार बेंडर कर रहा है काम। जो लॉन्गर स्पान है उसको हम वो उसके अलॉन्ग जो जा रहा है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार कहलाती है, और जो शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग लग रही है वो मेन बार कहलाती है। ये देखिए पूरा ऐसा डल रहा है ये, और क्रैंक, ये क्रैंक दिया जाता है, क्रैंक ऐसा उठ के जाता है, जो जो चारों तरफ क्रैंक रहता है उसको हम टू वे स्लैब बोलते हैं, और जो दो तरफ क्रैंक रहता है उसको हम वन वे स्लैब बोलते हैं। देखिए टेप क्यों लगे हैं, ये टेप लगे रहते हैं जहाँ जहाँ लीकेज होता है हमारा, या हमारा स्लरी बहने का, स्लरी मतलब वेस्ट होने का, लीक होने का चांसेस रहता है, वहाँ हम टेप लगा देते हैं। ये देखिए ऐसा ही पूरा हमारा स्लैब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर इसके बाद कास्टिंग होती है। ये तब की करते हैं हम जब हमारा पूरा अच्छे से जो सेंटरिंग है, सेंटरिंग लग चुकी हो, उनमें टेप लग चुका हो, और अभी ये कंक्रीट कवर भी यूज़ करेंगे इसमें। ये देखिए कवर लगाइए, ये देखिए कवर लगाइए जो हम आपको दिखा रहे हैं, कवर और लगेंगे। और स्लैब में जो हमारा कवर यूज़ होता है वो नियरली 40 mm का होता है, और जैसे जैसे वर्क प्रोग्रेस होता जाएगा हम आपको वीडियोस लाते जाएंगे इसकी वर्क की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।